तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है निखिल और आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो पॉपुलर डिमांड पे मैं आप सबके लिए आज लेके आया हूँ बटर चिकन। बटर चिकन का ओरिजिन इंडिया में ही है, एक रेस्टोरेंट में ही हुआ था। तो वो स्टोरी आप कहीं भी गूगल कर लीजिए या बहुत सारे रेसिपी वीडियोज़ में उनका मैंशन तो आता ही है। बट जो असली बटर चिकन है, ठीक है, जिस स्टाइल का उन्होंने बनाने की कोशिश की थी, वो आजकल मिसिंग हो चुका है, वो मिल रहा नहीं है। लोग पूरा टमाटर भर देते हैं, क्रीम भर देते हैं और बस उसे बटर चिकन कहा जाता है। बट एक्चुअल बटर चिकन की ऑथेंटिक नहीं, बट मेरे स्टाइल की रेसिपी आपको सिखाऊंगा म्यूजिक के उस पर। तो दोस्तों, पहले बटर चिकन बनाने के लिए हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। ये करीब 1 kg चिकन है, इसको मैं मैरिनेट कर लूँगा। मैरिनेशन का स्टेप देख लीजिए। और एक जो मखनी सॉस होती है, उस मखनी सॉस का इसका हल्का सा एक वेरिएशन है जो मैं यूज़ करता हूँ, उसकी भी तैयारी देख लीजिए। दही का इस्तेमाल किया है और सारे मसाले इसी में डाल दिए थे। मैं इसके अलावा एक्स्ट्रा मसाले जब असेंबल करूंगा उस टाइम पे नहीं यूज करूंगा। आप देखेंगे कि मैंने इस स्टेप पे धुंकार नहीं दिया था। मैं अब ग्रिल करूंगा चिकन को ग्रिल करने के बाद उनको धुंकार दूंगा। धुंकार देख के उसे क्या होगा, एक स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा। यूजुअली रेस्टोरेंट्स में क्या करते हैं, तंदूर से इस चिकन को निकालते हैं तो उसमें ऑलरेडी स्मोकी फ्लेवर होता है, ये प्री कुक चिकन हो जाता है, फिर इसे मखनी सॉस में डाल देते हैं। बट मैं यहाँ पे एक पैन में इसे फ्राई करके लूँगा। ग्रिल पैन जो होता है, आपके पास वो नहीं है तो नॉर्मल पैन में भी आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब वो कर लेते हैं ग्रिल और उसके बाद इसे असेंबल भी कर लेंगे। Thank you.
सामने आ चुका है बटर चिकन, मैंने इसे सर्व किया है कुछ चावल के साथ और तंदूरी रोटी के साथ, साथ में लच्छे वाले प्याज और वो मिंट वाली चटनी, तो भूलिएगा मत, ठीक है। इसे बनाते वक्त कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा, जो मैंने स्टार्टिंग में टमाटर मखनी सॉस में कम डाले थे, आप अगर चंकी टमाटर नहीं चाहते जो मैंने असेंबल करते वक्त डाले थे क्यूब करके, तो आप टमाटर की क्वांटिटी आपके मखनी सॉस में ही बढ़ा दीजिए, और इसे एक छन्नी में जब आप इसे पीस लेते हैं तो छन्नी से उसे छान के निकाल लीजिए, ताकि जो बड़े पार्टिकल्स है, जो फाइबर्स है, वो साथ में पीसा मतलब साथ में आपके ग्रेवी में ना आ जाए, ठीक है। तो उससे बहुत ही क्रीमी टेक्सचर रहेगा और बहुत ही मज़ा आएगा। इसमें मैंने लास्ट में गरम मसाला ऊपर से डाला था, इसके लिए स्टार्टिंग में मैंने मखनी सॉस में ही बहुत बेसिक मसाले डाले थे, ठीक है, क्योंकि लास्ट में मैं फ्रेश जो गरम मसाला है वो ऊपर से डाल ही रहा। तो चलिए, इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो बहुत ही यम्मी सा टेस्टी सा बनेगा। अब इसे टेस्ट टेस्ट करते हैं। तो ऐसे एक तंदूरी रोटी ले ली और ये लेग पीस ले लिया, लेग पीस से थोड़ा सा मीट लिया, तो बटरी ग्रेवी में डिप किया, से एक बाइट बन गई और मक्खन का आनंद, बहुत ही मजा आ रहा है। और जो कश्मीरी लाल मिर्च डाली थी अच्छी सी, उसका जो उसकी हल्की सी हीट है और उसका कलर है, उसका टेक्सचर है, यार मज़ा आ रहा है। और जो क्रीमी ग्रेवी है उसके तो क्या ही कहना है। तो ऐसा बटर चिकन आप ज़रूर बनाइएगा अपने घर पे, और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपका बटर चिकन कैसा बना था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, ये चैनल पे कोई भी रेसिपी पसंद आती है, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और मुझे बताइएगा कि आपका बटर चिकन कैसा बन रहा है। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।